तो हेलो गाइस, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन से डाउट से वो ये है कि हम अपना पप्पी या फिर डॉग को मिल्क यानी दूध दे सकते हैं या फिर नहीं। ये जो दूध है, मिल्क है, ये अपना डॉग के या फिर पप्पी के सेहत के लिए अच्छा या फिर बुरा है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये सारा जो है आपका डाउट्स क्वेश्चंस क्लेरिफाई करूंगा एंड इसका रीजन भी बताऊंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो मेन कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो ये है कि आप कुछ लोगों से सुना होगा कि ये जो मिल्क होता है ये अपना डॉग या फिर पप्पी के सेहत के लिए अच्छा रहता है। हालांकि कुछ लोगों से आप सुने होंगे कि ये जो मिल्क होता है ये अपना डॉग के लिए, डॉग का सेहत शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो गाइज ये जो कन्फ्यूजन है ये मुझे भी था। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या हुआ ना, जब मैं अपना पप्पी लाया तो जो ओनर थे उनको मैं पूछा, वो बताए कि जो डॉग है उसको आप मिल्क दे सकते हैं और मैं भी जो है मेरा डॉग जो है उनको मिल्क या फिर दूध दे रहा हूँ। तो गाइज मैं उनको बताया कि मैं कुछ यूट्यूब वीडियो से देखा था कि जो है ये दूध जो है कुत्ते के शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अच्छा रहता है, मैं आप देख सकते हैं मेरे जो डॉग्स हैं वो कितने क्वालिटी है उसका, कितना अच्छे दिख रहे हैं, मैं भी जो है अपना डॉग्स को मिल्क देता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो मैं यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गया था एक डॉक्टर के पास मेरा पप्पी लेके, तो वहाँ पर मैं उनको पूछा डॉक्टर को कि जो है हमारा पप्पी के लिए, ठीक है, जो दूध क्या हम उसको दे सकते हैं या फिर नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर नहीं, आप दूध नहीं दे सकते। अगर आप दूध देना चाहते हैं तो दूध के बजे आप दही या फिर कुछ छेना वगैरह इस तरीके से पनीर वगैरह दे सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर घर चलाया। तो गाइस यहाँ पर कुछ दिन बाद क्या होता है ना, हमारे घर में एक मेहमान आते हैं जिनके घर में एक डॉग है, ठीक है। तो गाइस मैं उनको पूछा कि आप अपने डॉग को खाने में क्या देते हैं। तो गाइस उन्होंने बताया कि मैं अपने डॉग को जो है दूध देता हूँ खाने में, जो मैक्सिमम टाइम देता हूँ, क्योंकि उनके घर में गाय है तो जिसके वजह से उनका जो है घर में दूध बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिसके वजह से वो अपने डॉग को जब भी खाने में देते हैं, ठीक है, अगर चावल दे रहे हैं तो उसमें दूध डाल के देते हैं, अगर रोटी दे रहे हैं तो रोटी में दूध डाल के देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मतलब मैक्सिमम टाइम, ठीक है, खाने देते हैं मतलब उसमें दूध होगा ही होगा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि उनका जो कुत्ता है, ठीक है, उसका फोटोज भी दिखाया कि वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था और अच्छा भी दिख रहा था, ठीक है गाइस। और उन्होंने बताया कि आप भी जो है अपने पप्पी को दूध दीजिए। ओके तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ ना, अपने घर के पास एक बंदा है जो कि जर्मन शेफर्ड रखा है, तो गाइस वो भी अपना जो डॉग है उसको ना दूध देता है गाइस। और अगर आप उसका डॉग को देखेंगे ना, इतना तगड़ा पूरा सांड की तरह दिख रहा है, मस्त क्वालिटी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन हुआ और मैं फटाक से उस दिन ही दौड़ा डॉक्टर के पास और मैं बताया कि ये सारे हुआ है, आप बताया कि जो है पप्पी को दूध देना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मेहमान मेरे घर पे आए थे और मेरा एक दोस्त है मेरे घर पे पास रहता है, वो अपने डॉग को जो है दूध देता है, उनका जो डॉग है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी के दिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे डॉक्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझाए, उन्होंने बताया कि जो हम लोग मसाले, ठीक है, ऑयल्स वगैरह जो सब्जी में कलर्स वगैरह डाल के खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए सेहत के लिए अच्छा है। तो गाइस यहाँ पर मैं बताया कि बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे शरीर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर के लिए मसाले वगैरह, ठीक है, ऑयल्स वगैरह ये अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, सब में प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलता है, जो कुछ लोग हैं वहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम्स होता है, उनके पेट में गड़बड़ी हो जाता है, उनका किडनी प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम्स आता है, उनका शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से सेम चीज़ डॉग्स के साथ भी होता है, अगर हम डॉग्स को मिल्क देते हैं सबके साथ प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर कुछ जो है डॉग्स के साथ प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने उनको रीजन भी पूछा कि क्यों ये दूध जो है डॉग्स के लिए हानिकारक है। तो गाइस उन्होंने बताया कि हमारा जो दूध है, ठीक है, दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है, ये जो लैक्टोज है उसको पचाने के लिए और एक केमिकल्स की जरूरत पड़ता है जिसका नाम उन्होंने बताया सर लैक्टिस, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो गाइस ये जो लैक्टोज है उसको जो केमिकल्स, ठीक है, पचाने की जरूरत पड़ता है वो केमिकल्स जो डॉग्स के अंदर रिलीज नहीं होता है गाइस, इसीलिए ही अगर हम जो दूध डॉग्स को खाने के लिए देते हैं वो दूध जो है पचा नहीं पाते हैं डॉग्स, ठीक है, जिसके वजह से अगर हम जो दूध है रोज के रोज, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी दूध देते हैं तो ये धीरे धीरे करके आगे जाके
क्या होता है ना, हमारा जो डॉग्स है उसका पेट में प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि दूध में लैक्टोज होता है, वो जो लैक्टोज होता है ना वो डॉग्स के पेट में धीरे धीरे करके जमता रहता है, और ये जो लैक्टोज है ये जमते जमते आगे जाके क्या होता है ना, हमारा जो डॉग्स है उनके पेट में इन्फेक्शन वगैरह कर देता है, बहुत सारे पेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लोग दूध वगैरह देते हैं उनका डॉग में क्या होता है ना, बाल वगैरह झड़ने लगता है, उनका डॉग का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उनका डॉग का जो बाल होते हैं वो इतना शाइनी नहीं दिखते हैं, जो डॉग होते हैं वो फोटी करने लग जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनका उल्टी होने लगता है, ठीक है, वो दुबले पतले हो जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर जो मेन बात है वो हम ये है कि हम अपने जो पप्पी है डॉग है उसको दूध दे सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर जो कहते हैं उनका नॉलेज है, वो जानते हैं, इसलिए ही बताए। तो गाइस यहाँ पर मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो डॉग या फिर पप्पी के सेहत के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर दूध दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी दूध ना दें। तो गाइस अगर आप मतलब ऐसा है कि आपका घर में गाय वगैरह है या फिर आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है दूध अवेलेबल हो जाता है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दूध के सिवा यहाँ पर दही या फिर छेना वगैरह दे सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन सकता है। देखिए गाइस यहाँ पर क्या करना ना, आप जब दूध लाते हैं, आप जब दूध उबालते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से उबलने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ दीजिए उसमें या फिर खट्टा वगैरह डाल दीजिए, वो आराम से छेना बन जाएगा, आप उसको खाने के लिए अपने डॉग्स को या फिर पप्पी को दे सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से खा जाएगा, ठीक है। अगर आप दही कहना चाहते हैं तो दूध उबालने के बाद थोड़ा सा अच्छे तरीके से ठंडे होने के लिए छोड़ दें, देन उसके बाद उस पर नींबू या फिर खट्टा वगैरह डाल दीजिए और दही बन जाएगा, उसको आप अपने डॉग्स या फिर पप्पी को खाने के लिए दे सकते हैं। वो दही में से थोड़ा सा दही आप बचा के रख लें, नेक्स्ट जब नेक्स्ट डे आप दूध लेके आते हैं, नेक्स्ट आप दूध उबाल दीजिए, उसको ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए और बचा हुआ दही उसमें डाल दीजिए, फिर से वो दही बन जाएगा। इस तरीके से आप गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से दूध को छोड़ के आप दही या फिर जो छेना वगैरह दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आपके साथ ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में डॉग को पप्पी को देने के लिए दूध के सिवा कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर आप मजबूरन ऐसे आपको होता है कि दूध देना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करना ना, सिर्फ दूध ना दे के आप दूध में ना 50-75% तक आप पानी ऐड करके, पानी अच्छे तरीके से उसमें मिलाकर दे सकते हैं, यहाँ पर डॉग के शरीर में कुछ असर नहीं दिखेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, जो दूध होता है, मिल्क होता है, ये हमारे डॉग या फिर पप्पी के सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो कृपया करके आप अपने डॉग या फिर पप्पी को जो है दूध ना दें, दूध के सिवा आप पनीर, छेना या फिर दही दे सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे आपका क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो क्लियरिफाई हो गए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। हाँ अगर आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I got broads in Atlanta, just to go lean the family, credit cards in the scammers, getting the looks in the band, legacies.